ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में घमासान जारी है। एक तरफ सरपंच सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी नुमाइंदे लोगों को ई टेंडरिंग के फायदे बताने में जुटे हुए हैं। कैथल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तो यहां तक कह दिया कि गांव का मुखिया सरपंच टेक्निकल नहीं होता, इसलिए पहले जब किसी भी योजना में घोटाला होता था तो उसमें सरपंच पर ही कार्रवाई होती थी और जो विभाग के टेक्निकल अधिकारी थे वो उसमें बच निकलते थे, मगर अब सरकार ने जो ई टेंडरिंग लागू की है उसमें सरपंच पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होगी। सरपंचों में देखिए जो ई टेंडर की व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ सरपंचों के हक की व्यवस्था है। आज से पहले क्या था कि सरपंच जो भी काम करता था, सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वो सारा काम करने के बाद इंक्वायरी सरपंच की होती थी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जिनकी जिम्मेदारी थी वो बच जाते थे उससे। और कई बार आपने सरपंचों को देखा होगा उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी 5-5 साल तक वो तरीके ही भुगतते रहते थे बेचारे। अब इसमें क्या है कि जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको सरकार से तनख्वाह मिल रही है उसकी जिम्मेदारी है ना उसकी, तो कि वो देखे उसको कहीं गलत तो नहीं रहा। तो अब सरकार ने व्यवस्था की कि भाई ई टेंडरिंग होगी उसमें ठेकेदार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है, सरपंच को जो जिम्मेदारी मिली वो उसको काम करने की या उसकी योजना बनाने की है। पैसा उसके पास है क्या तो वो योजना बनाएगा कि उसने क्या गली बनानी, कम्युनिटी हॉल बनाना, क्या करना, वो अब योजना बनाएगा और वो किस तरीके से काम होगा उसकी देखरेख भी सरपंच करेगा। ये जिम्मेदारी सरपंच की है, लेकिन सरपंच इस लपड़े में नहीं पड़ने का बिना बात के कि अगर उसमें कोई खामी है कि उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा उसको भुगतनी पड़ेगी जिनको सरकार तनख्वाह दे रही इस बात के न होगी या जिन्होंने ठेका लिया। तो मैं समझता हूँ कि 100% सरपंचों का हक्का है। देखिए अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट होगी तो निश्चित तौर से उसकी जांच कराएंगे और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कंवरपाल के माने तो काम में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, मगर मंत्री महोदय से कोई ये पूछे कि अब तक जो लापरवाही या भ्रष्टाचार वाले मामले हरियाणा में उजागर होते हैं उसमें अधिकारियों पर सरकार कितने एक्शन लेती है। खैर, सरकार सरपंचों को समझाने की कोशिश कर रही है मगर सरपंच भी मानने को तैयार नहीं है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।